आज आप सभी को हम एड्रेनल ग्लैंड के बारे में बताएंगे। आज एड्रेनल ग्लैंड के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो एड्रेनल ग्रंथि क्या होती है, कैसे होती है और कहाँ होती है, इसके बारे में हम लोग का क्या करना है, अध्ययन करना है। तो आपके एनसीईआरटी बुक में ये एनसीईआरटी बुक से लाइन लिया गया है, इसके बारे में एनसीईआरटी को हम आप प्रत्येक लाइन को अच्छे से समझाएंगे यहाँ, ठीक है। तो आप देखेंगे बच्चों, दिया है कि एड्रेनल ग्लैंड, यहाँ देखिए दिया गया है एड्रेनल ग्लैंड जो होता है, आप देखते होंगे किडनी होती है, किडनी के वन पेयर किडनी जो होती है उसी के एंटीरियर पोर्शन पर यह पाई जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या है कि आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड्स। देखिए भाई, जब सीधी सी बात है, जब देखिए एक किडनी का यहाँ स्ट्रक्चर दिया है, ऐसे दो किडनी होगी तो दो एड्रेनल ग्लैंड होगी कि नहीं होगी। जब एक किडनी पर एक एड्रेनल ग्लैंड तो दो किडनी पर दो एड्रेनल ग्लैंड, तो यही कह रहा है कि आवर बॉडी हैज वन पेयर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड्स, मतलब हम लोग का शरीर वन पेयर ऑफ एड्रेनल ग्लैंड को क्या करता है, लिए रहता है। कौन? किडनी के इंटीरियर पोर्शन पर क्या होता है, किडनी के इंटीरियर पोर्शन पर क्या होता है, एड्रेनल ग्रंथि पाया जाता है। और कितना होता है, वन पेयर होता है। कितना होता है, वन पेयर होता है। आपने इतना क्लियर किया। इसके बाद कह रहा है कि वन एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ ईच, हम इतना बता चुके हैं, ईच किडनी मतलब प्रत्येक किडनी पर क्या है, प्रत्येक किडनी पर एक उसके इंटीरियर पोर्शन पर एक एक क्या है, एड्रेनल ग्लैंड है। तो कितना एड्रेनल ग्लैंड हुआ, दो एड्रेनल ग्लैंड हुआ। इसके बाद आगे देखेंगे, कह रहा है कि द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू। ग्लैंड जो है दो प्रकार के टिश्यू से, जो एड्रेनल ग्लैंड है बच्चों, ये ग्लैंड जो है दो प्रकार के टिश्यू से, दो प्रकार के ऊतक से मिलकर बना है। पहला ऊतक देखेंगे आप है क्या, पहले ऊतक को हम क्या कहेंगे, द सेंट्री लोकेटेड। देखिए द सेंट्री लोकेटेड टिश्यू इज कॉल्ड एड्रेनल मेडुला। देखिए बच्चों, जो सेंटर में है अर्थात जो बीच में है उसे हम कहेंगे, जो बीच में है उसे हम कहेंगे एड्रेनल मेडुला कहेंगे। बात समझ में आई, जो बीच में है उसे एड्रेनल मेडुला कहेंगे। और वह क्या है, वह एक प्रकार का टिश्यू है बच्चों, यह एक प्रकार का क्या है, टिश्यू है। फिर देखेंगे जो आउटर साइड, देखिए जो आउटर साइड है वह क्या है, एड्रेनल कॉर्टेक्स है, यह भी एक क्या है, टिश्यू है। इतना देख लिए ना, आउटर साइड इज कॉल्ड एड्रेनल कॉर्टेक्स बेटा, मतलब हम कह सकते हैं एड्रेनल ग्लैंड के दो भाग होते हैं, आउटर साइड कॉल्ड एड्रेनल कॉर्टेक्स और इनर साइड इज कॉल्ड एड्रेनल मेडुला। इतनी बात समझ में आई। फिर आगे लिखता है लाइन, आगे की बात को आप समझना है, आगे की बात आप समझेंगे क्या चीज़ लिख रहा है बच्चों। कह रहा है अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, अगर हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो रहा है बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स के द्वारा, एंड अल्टरनेट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कार्डिक एक्यूट वीकनेस एंड फैटिग्यू लीडिंग टू डिजीज कार्ड एडिशन डिजीज। मतलब बेटा, बच्चों दोस्तों, कह रहा है कि अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स, अगर एड्रेनल कॉर्टेक्स के द्वारा हार्मोन का क्या होगा, अंडर कम सिक्रीशन होगा तो मेटाबॉलिज्म कार्ड जो उसका मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म के माध्यम से क्या होगा, एक्यूट वीकनेस होगा, क्या होगा, वीकनेस होगा, और आदमी क्या होगा, मोटापा हो जाएगा, और बीमारी कौन काज हो जाएगी, और उसे बीमारी हो जाएगी, एडिसन नामक बीमारी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि अंडर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, कहाँ के, एड्रेनल कॉर्टेक्स के हार्मोन अगर कम निकलेंगे भाइयों, कम निकलेंगे तो आदमी को क्या हो जाएगा, आदमी को हो जाएगा वीकनेस हो जाएगा और मोटा हो जाएगा। कहीं मोटा आदमी तो देखते हैं, वो खाली मोटा रहता है लेकिन वो क्या होता है, उसके शरीर में वीकनेस आती है, उस प्रकार की बीमारी को हम क्या कहते हैं, एडिसन बीमारी।
क्या कहते हैं? एडिसन बीमारी कहते हैं। फिर इसके बाद आगे बच्चों देखेंगे, आगे का पेज आप फिगर देख चुके हैं, ये कह रहा है, ये लिखा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिनल ग्लैंड एबव द किडनी, किडनी के एबव भाई है, इस बार सेक्शन पार्ट ऑफ द एडिनल ग्लैंड, इतना तो आप देख ही चुके हैं। इसके बाद कह रहा है कि द एडिनल मेडुला सिक्रीट टू हार्मोन्स। एडिनल जो मेडुला है भैया, इसकी बात कर रहा है, एडिनल मेडुला टू सिक्रीट टू हार्मोन्स कॉल्ड एड्रेनिन। पहला क्या है? एड्रेनिन। क्या है? एड्रेनिन है। आर उसी और क्या कहते हैं? एपिनेफ्रिन कहते हैं। एड्रेनिन अथवा एपिनेफ्रिन किसके हार्मोन है? मेडुला के पहला वाला हार्मोन। फिर दूसरा हार्मोन देखेंगे बच्चों, कहेंगे नार एड्रेनिन। देखिए यहाँ दिया है नार एड्रेनिन और नार एपिनेफ्रिन, मतलब हम कह सकते हैं कि मेडुला से जो है, मेडुला से कितने हार्मोन निकलेंगे? दो हार्मोन निकलेंगे, एक एपिनेफ्रिन, एक क्या होगा? नार एपिनेफ्रिन। उसी के एपिनेफ्रिन को और क्या कहेंगे? एपिनेफ्रिन को एड्रेनिन कहते हैं, और नार एपिनेफ्रिन को क्या कहेंगे? नार एड्रेनिन कहेंगे। इसके बाद देखेंगे अथवा नाम सभी का याद रहना चाहिए, जिस बता दे रहे हैं बच्चों, अगर नहीं रहेगा तो कभी अथवा नाम पूछ लेता है ना, तो क्वेश्चन का हो जाएगा, गयो क्वेश्चन गयो काम से। इसके बाद देखेंगे फिर क्या रहा है, दीज आर द कामली कॉल्ड केटाकोलामींस, और इसे क्या कहेंगे? केटाकोलामींस कहते हैं। और इसके बाद देखेंगे एड्रेनिन आर द नॉन एड्रेनिन आर रैपिडली सिक्रीटेड रिस्पॉन्स फॉर स्ट्रेस। अब ये क्या करेगा? जब हम क्या करते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, तब ये एपिनेफ्रिन, एड्रेनिन और नॉन एड्रेनिन दोनों हार्मोन क्या करते हैं? सिक्रीट होते हैं। एड्रेनिन और नॉन एड्रेनिन जो हार्मोन होते हैं, कहाँ के हार्मोन हैं? एडिनल मेडुला के हार्मोन है। जब हम किसी तनाव में आते हैं, जैसे मेरे सामने कोई सर्प पड़ गया, मैं किसी से झगड़ा कर लिया, हमको चीता बाघ खदेड़ लिया, हमको कोई चोर खदेड़ लिया, तो हम क्या करते हैं? टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। अरे भैया, आप कभी कभी होता ना, जो क्या है, बहू अपने सास से झगड़ा कर लेती है तो स्ट्रेस में आ जाती है, तो स्ट्रेस में आ जाएगी तो यही दोनों हार्मोन निकलने लगेंगे। तो देखिए, जब स्ट्रेस में आप आएंगे तब क्या होगा, तो क्या क्या होगा आगे हम बताएंगे क्या क्या होता है। एंड काइंड ऑफ ड्यूरिंग इमरजेंसी, आप इमरजेंसी में जब होते हैं, कोई आपके घटना आपके साथ घटती है, तब स्ट्रेस, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। जब स्ट्रेस में चले जाते हैं तो भैया यही एड्रेनिन और नॉन एड्रेनिन नामक दो हार्मोन क्या करते हैं? रिलीज होते हैं। किसके द्वारा रिलीज होते हैं? एड्रेनल मेडुला के द्वारा। अब देखिए, समझिए मेरी बात को, अब क्या होगा सिचुएशन। भैया जब आप स्ट्रेस में होंगे तो आप कुछ सिचुएशन अपने मुँह पर थोड़ी अपना कुछ रंग बदलेंगे ना, बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? तो क्या होगा कार्ड इमरजेंसी हार्मोन, अर्थात जब हमारे साथ कोई इमरजेंसी वाली घटना घटेगी ना, तो हम स्ट्रेस में होंगे ना, तब ये दोनों हार्मोन निकलेंगे, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, इसी को हम क्या कहेंगे? इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। और दोनों हार्मोन कहाँ के हैं? फिर से बता रहे हैं, एडिनल मेडुला के हार्मोन हैं। फिर इसके बाद देखेंगे और आर, इसे और क्या कहते हैं? हार्मोन्स ऑफ फाइट आर फ्लाइट। भैया जब आप किसी से झगड़ा करते हैं, तो झगड़ा करने में आपके मन में दो विचार आते हैं, कि हम फाइट कर लें, झगड़ा कर लें, अथवा हम क्या कर लें, भाग जाएं। तो ये हार्मोन उस समय निकल कर दो सूचनाएं मेरे माइंड को कहता है कि नहीं, आप हम मार कर ही लेंगे। नहीं भैया, हम भाग जाएं। दो चीज़ हमारे मन में हमेशा आता रहता है, तो ये कौन हार्मोन करवाता है? एपिनेफ्रिन आर कौन? नॉन एपिनेफ्रिन। समझ में आया? एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। और ये कैसा हार्मोन है? इमरजेंसी हार्मोन है।
और क्या कौन सा हार्मोन है, हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट। बात समझ में आई क्या है? इसके बाद फिर देखेंगे दीज हार्मोन्स इंक्रीज, ये हार्मोन इंक्रीज करते हैं अल्टरनेट्स कहाँ पर, प्यूबर्टी डाइल्यूशन का मतलब समझ रहे हैं बच्चों, प्यूबर्टी डाइल्यूशन। अब हमारी आँख क्या होगी, डायलेट कर जाएगी, निकल जाएगी, आँखें ऐसे निकल जाएगी, एंड पाइलोरेक्शंस ऑफ राइजिंग ऑफ हेयर, और हम लोग के क्या हैं बाहर खड़े हो जाएंगे। भैया मान लो हम लोग के सामने कोई शेर आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, मेरी आँखें बस निकली का निकली रह जाएगी और क्या होगा, हेयर राइजिंग ऑफ हेयर क्या होगा, हम लोग के बाल क्या होंगे, खड़े हो जाएंगे और पसीने स्वेटिंग, कह रहा क्या बच्चों, स्वेटिंग कह रहा है ना, स्वेटिंग का मतलब क्या, हम लोग को पसीना आने लगता है कि नहीं आने लगता है बताइए, हम लोग को पसीना आने लगेगा कि नहीं आने। मेरे सामने मान लो आपके सामने क्या है, कोई चीता कोई शेर आ जाता है या सांप आ जाता है तो आपके साथ क्या होगा, आपकी आँखें खुल जाएगी, ऐसे एकदम पूरा आँख निकल जाएगी, इसके बाद क्या होगा, राइजिंग ऑफ हेयर, आपके बाल खड़े हो जाएंगे और पसीना पूरा निकलने लगेगा, पूरा ऊपर का पसीना नीचे तक, ठीक है। तो ये कौन हार्मोन करवाता है, इमरजेंसी हार्मोन, और इमरजेंसी हार्मोन कितने होते हैं, एडनिन और नॉन एडनिन, और कहाँ से निकलते हैं दोनों, ये एडनल मेडुला से। अब इसके बाद देखेंगे बच्चों, बोथ ऑफ द हार्मोन्स इंक्रीज द हार्ट बीट। अब अच्छा भैया, तो आप जब सांप को देखेंगे शेर को देखेंगे तो आपका हार्ट बीट क्या करेगा, आराम रहेगा, करेगा वो धक धक धक, मतलब जो 120 है ना वो पहुंच जाएगा 180, आपकी हार्ट बीट क्या करेगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आप इमरजेंसी में जा रहे हैं तो यहाँ से दोनों हार्मोन क्या करेंगे, निकलने लगेंगे। इसके बाद कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन, और हार्ट का क्या है, बीटिंग बढ़ जाएगा तो कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन शुरू हो जाएगा, और रेट ऑफ रिस्पायरेशन, और सांस आप बड़ी तेज़ी तेज़ी से लेने लगेंगे, हफर 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 आदमी नहीं करने लगता है तो क्या होगा, सांस बड़ी तेज़ी तेज़ी से लेने लगेंगे। इसके बाद देखेंगे बेटा आगे लिखा है केटाकोलामींस, देखिए केटाकोलामींस आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूक क्या है, ग्लाइकोजन रिजल्टिंग इन, आगे का पेज देखेंगे, एंड इंक्रीज द कंट्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, और ये क्या करेगा, एक देखिए ये क्या कर रहा है कि केटाकोला मींस क्या है, क्या करेगा, आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, और ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, एंड इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लाइकोजन टूटता है तो ब्लड में, तो ग्लाइकोजन क्या है, पॉलीमर है, तो अब मोनोमर में टूट कर कहाँ, ग्लूकोज में टूट जाएगा बच्चों। इन एडिशन दे आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, और क्या होगा, लिपिड और प्रोटीन टूटना शुरू हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है आगे चलेंगे एडिनल कार्टेक्स के बारे में, आप देखेंगे एडिनल कार्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री लेयर्स। अब भैया मेरी बात समझो बच्चों, ये इसकी बात होने जा रही है, किसकी, एडिनल कार्टेक्स जो आउटर पार्ट था, ये अब इसको ध्यान देना है आपको, ये कह रहा है क्या कह रहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, आपको समझना है ये लाइन को, कह रहा है एडिनल कार्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री लेयर्स, एडिनल कार्टेक्स को कितने लेयर में डिवाइड किया गया, तीन, पहला लेयर बहुत इंपॉर्टेंट जोना रेटिकुलेटा जो अंदर की लेयर है, और जोना फैसिकुलेटा जो मिडिल की लेयर है, और जोना ग्लोमरेसा आउटर लेयर। अब समझो आप मेरी बात समझो, देखिए ये क्या है जो एडिनल कार्टेक्स है वह तीन लेयर में बना है। अब कह रहा है जोना रेटिकुलेटा हो गया, इसके बाद कह रहा है जोना फैसिकुलेटा, नहीं ये देखिए आपका एक मिनट बच्चों, ये देखिए तीन लेयर है ना, जो अंदर वाली लेयर है इसे कहेंगे जोना रेटिकुलेटा, और जो मिडिल लेयर है उसे जोना
फैसिकुलेटा, और इसके बाद जो आउटर लेयर है उसे कहेंगे जोना ग्लोमेरुलेसा, जोना ग्लोमेरुलेसा कहेंगे। तो आप समझ गए, जो इनर लेयर जोना रेटिकुलेटा, जोना फिर इसके बाद फैसिकुलेटा, फिर जोना क्या ग्लोमेरुलेसा। तो इतना आपने देखा, तीन लेयर में डिवाइड है। इसके बाद देखेंगे बच्चों, कह रहा है क्या, एडिनल कार्टेक्स सीक्रेट मेनी हार्मोन्स, जो एडिनल कार्टेक्स है बहुत से हार्मोन निकालता है, कॉमनली कार्ट आर कार्टिकॉइड्स, जिसे हम क्या कहेंगे, कार्टिकॉइड्स कहेंगे। द कार्टिकॉइड्स क्या है, द कार्टिकॉइड्स विच आर द इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और कह रहा है इन आवर बॉडी कॉर्टिकोसॉल्स एंड मेन ग्लूकोकॉइड्स एंड कॉर्टिकॉइड्स विच रेगुलेट इन द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी कॉल मिनरोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन इन द मेन मिनरोकॉर्टिकॉइड आवर बॉडी। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे।